हेलो दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लॉफी डिस्क। इसके पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मिनी डिस्क या फ्लॉफी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। यह डेटा को लाने ले जाने तथा रोजाना के काम के लिए एक सस्ता और सरल साधन था। यह मुख्यतः दो आकारों में मिलता था, 5x1/4 इंच तथा 3x2 इंच। यह बाहरी पार्ट पे लगाया जाता था। बात करें, इसे मिनी फ्लॉफी भी कहते थे। यह मूल रूप में 5x1/4 आकार की फ्लॉफी डिस्क की तरह ही होती थी, लेकिन इसका बाहरी खोल ठोस प्लास्टिक का बना होता था। इसमें बीच की धुरी किसी धातु की बनी होती थी। फ्लॉफी डिस्क पर डेटा कुछ वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता था, जिन्हें ट्रैक कहते थे। हर ट्रैक कई भागों में बांटा होता था, जिन्हें सेक्टर कहते थे। एक सेक्टर में 128 बाइट होती थी। ड्राइव में लगाने से फ्लॉफी अपने स्थान पर घूमने लगती थी और रीड राइट हैंड आगे पीछे चल सकता था, जिससे वह फ्लॉफी के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर में डेटा लिख सकता था, उसमें पढ़ा जा सकता था। आजकल जो फ्लॉफी डिस्क आ रही हैं वह प्रचलन में बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात करें इन फ्लॉफी डिस्क की, तो पहले से ज़्यादा इसमें सुधार किए गए और इन्हें पहले की अपेक्षा और बेटर बनाया गया, जिसको आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलिएगा।